How to fix Samsung Galaxy E7 audio and video call not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Samsung के डिवाइस में ऑडियो एंड वीडियो कॉल नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. अगर दोस्तों ऑडियो कॉल भी काम नहीं कर रहा है, वीडियो कॉल भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखें. मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन एक ही साथ में बताऊंगा. सॉल्यूशन करने के बाद ही आपका जो प्रॉब्लम है जाके सॉल्व हो जाएगा. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा. चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कुछ रीजंस जान लेते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है हमारे डिवाइस में चेक करते हैं. अगर दोस्तों ऑडियो एंड वीडियो कॉल काम नहीं कर रहे तो हो सकते हैं दोस्तों आपके डिवाइस में कॉल बेयरिंग वगैरह इनेबल्ड हो, ठीक है. तो एक बार जाइए सेटिंग पर, कॉल बेयरिंग, यहाँ पे सप्लीमेंटरी सर्विस में जाइए, कॉल बेयरिंग और कॉल फॉरवर्डिंग दोनों को ही चेक करें, ठीक है. वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल दोनों ही दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है. वॉइस कॉल का कॉल बेयरिंग ऑफ होना चाहिए, साथ ही साथ वीडियो कॉल का कॉल बेयरिंग डिसेबल होना चाहिए. उसके साथ ही साथ में आपको कॉल फॉरवर्डिंग भी चेक करना है. वॉइस कॉल भी आपका यहाँ पे जो है ऑफ होना चाहिए और वीडियो कॉल भी ऑफ होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद नेटवर्क आपको चेक करना है. पहले आपको ये सारे चेक करना है और उसके बाद मोबाइल रिचार्ज भी चेक करना है. मोबाइल पर रिचार्ज होना ज़रूरी है और साथ ही साथ नेटवर्क चेक करना है, ठीक है. अगर नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम है तो सेटिंग पर जाके स्क्रॉल डाउन करके जनरल मैनेजमेंट पे जाए, रिसेट में क्लिक करके रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर दीजिए, आपका नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो जाएगा. उसके बाद जाइए कनेक्शन पे. कनेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, नेटवर्क मोड सेलेक्ट करना है, कौन सा नेटवर्क अच्छा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है. वोल्ट इनेबल नहीं है तो वोल्ट इनेबल करें, नेटवर्क को 4G मोड पर सेट करें, ठीक है. वाईफाई कॉलिंग आपको बंद करके रखना है. अगर वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं तो वाईफाई के थ्रू कॉलिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा तो आपको कई सारे दिक्कतें हो सकते हैं. वाईफाई कॉलिंग बंद करना है. उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन पे जाना है, ऐप्स में क्लिक करना है. सबसे पहले तो आपको नीचे की तरफ आना है और फ़ोन सर्विस पर जाना है. फ़ोन सर्विस पर जाने के बाद स्टोरेज, स्टोरेज पर जाके क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, ओके करना है. क्लियर डेटा करने के बाद आपको परमिशन पर जाना है और सारे परमिशन आपका अलाउ होना चाहिए. सारे परमिशन अलाउ करने के बाद बैक करना है, ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करते हुए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, ठीक है. स्टोरेज पर जाना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, ओके कर देना है. डेटा क्लियर करने के बाद आपको बैक करना है. उसके बाद इसका परमिशन अलाउ करना मत भूलिए, सारे परमिशन अलाउ कर दीजिए. परमिशन अलाउ करने के बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करें एंड देन चेक करके देखें प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है. तो इस तरीके से दोस्तों वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल प्रॉब्लम यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है. ऑडियो कॉल आपका काम नहीं कर रहा है, वॉइस कॉल आपका काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप इस सॉल्यूशन को फॉलो अप कर सकते हैं. बाय एनी चांस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आते तो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना. सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों सारे प्रॉब्लम आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.